हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो, आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम, और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माने सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है, एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे।